हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि आपको ग्रुप डी में बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिलने वाली है। अभी तक लोगों का माइंडसेट ये था कि ग्रुप डी में सैलरी अच्छी नहीं होती है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी में भी आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी जो आप लोग सोच नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ में मैं आपको एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, क्या क्या अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं ज्वाइन करने के बाद। इस बार आपको बताया कि जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट है ये जून जुलाई तक कंप्लीट होने वाला है, और ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट को यहाँ पे जून जुलाई तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो जिनको भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल रहेगा, साथ ही जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो मोटिवेशनल रहेगा। फ्यूचर में ग्रुप डी की वैकेंसी भी आएंगी, रेलवे की वैकेंसी भी आएंगी, तो आपको हार यहाँ पे नहीं माननी है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और आगे की जो वैकेंसी है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। बाकी देखो, टाइम टू टाइम मैं आपको सारे अपडेट्स देता हूँ, जैसे कि आज कोर्ट की इसका अपडेट भी मैंने आपको दिया, इसलिए ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टेस्ट बुक के जबरदस्त ऑफर के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, छात्रों की डिमांड पे जो है टेस्ट बुक अपने ऑफर को वापस लाया है, और 18 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आप इसका लाभ ले सकते हैं। टेस्ट बुक का जो 1 ईयर का पास था जिसका प्राइस पहले 399 था, एक तो ये आपको 269 में मिलेगा, अभी तक का लोवेस्ट प्राइस है, और साथ में आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, यानी कि 269 में आपको 18 महीने का टेस्ट बुक का पास मिलने वाला है। SSC MTS हो या फिर SSC CHSL हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके इसको परचेज कर लेना है, और इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी इसको आप परचेज करते हैं तो पॉकेट FM, इज माई ट्रिप और रैपिडो की तरफ से आपको गिफ्ट वाउचर भी देखने को मिलेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करेंगे सैलरी की। देखो, यहाँ पर आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हैं चाहे आप राज्य के कर्मचारी हैं, साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में इंक्रीमेंट होता है। और अभी मैं अगर बात करूँ तो करंट के जो DA के रेट्स हैं वो 38% हैं, लेकिन जनवरी 2023 से ये 42% हो गए हैं। देखो, आपको पता है कि महंगाई आपकी साल दर साल बढ़ती है, इसी के अकॉर्डिंग साल में 2 बार, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में जो है DA के रेट्स रिवाइज होते हैं। अभी जनवरी से जो DA के जो रिवाइज रेट हैं वो 42% हुए हैं अकॉर्डिंग टू CPI इंडेक्स। अभी देखो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ है उसकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग जुलाई तक होने वाली है, ठीक है ना, जून जुलाई तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी, उस टाइम पर ये जो DA के रेट्स हैं ये 44% से अबव चले जाएंगे। तो 44% DA के हिसाब से जो आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले 18,000 रुपये बेसिक पे रहता है, अगर आप किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपको 18,000 बेसिक पे मिलेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया DA के रेट्स जो है 44% तक हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 7,920 रुपए आपको DA यानी कि महंगाई भत्ता के रूप में मिलने वाले हैं। उसके बाद देखो, आप ग्रुप डी की किसी भी पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आपको HRA मिलेगा, और मैं यहाँ पर ये सैलरी आपको भी बता रहा हूँ जो ये एक्स क्लास सिटी के अकॉर्डिंग है, तो एक्स क्लास सिटी में जो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 5,400 रुपये मिलता है। उसके बाद जाने आने के लिए जो अलाउंस मिलता है, खर्चा मिलता है, वो एक्स क्लास सिटी में 1,800 रुपये मिलता है। देखो, ये मैंने जो 4 चीज़ें आपको बताई है ना, ये सभी पोस्ट पर सभी इंप्लॉय को मिलेंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्स क्लास सिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये एक्स क्लास क्या है, देखो 3 तरह से डिवाइड होते हैं, एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी और जेड क्लास सिटी। एक्स क्लास सिटी बेसिकली क्या होती है, वैसे तो ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जैसे भी आपकी मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली है, जो हाईफाई सिटीज़ हैं वो वाली आपकी एक्स क्लास सिटी में आती हैं, जो मॉडरेट सिटीज़ होती हैं वो आपकी वाई क्लास सिटी में आती हैं, और जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, बेसिकली छोटी सिटीज़ होती हैं, वो जेड क्लास सिटी में आती है। तो एक्स क्लास सिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इन 4 चीज़ को अगर ऐड करते हैं तो ये 33,000 बनते हैं आपके 120 रुपये, यानी कि देखो 33,120 रुपये बिल्कुल मिनिमम पे बनेगा अगर आपकी ज्वाइनिंग एक्स क्लास सिटी में होती है। अब इसके ऊपर आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पर NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, ND यानी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, उसके अलावा कुछ पोस्ट पे आपके TA यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है जो कि 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में रहता है, यानी कि 33,120 से तो ऊपर ही आपको सैलरी मिलेगी। इवन ये सैलरी आपकी एक्स क्लास सिटी में 40,000 तक भी जा सकती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वाई क्लास सिटी की, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मिनिमम पे जो वाई क्लास सिटी में बनेगा वो 30,720 रुपये बनेगा। अब इसके ऊपर ये लगभग 35K तक जा सकता है अगर आप जो है यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, पोस्ट आपको अच्छी मिल जाती है, पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल जाती है, तो सैलरी उस पर ज़्यादा बन जाती है। वहीं हम लोग बात करें अगर हम जेड क्लास सिटी की, तो जेड क्लास सिटी में जो आपका मिनिमम पे बनेगा वो 28,920 रुपये बनेगा। अब इसमें ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये 32 या फिर 33,000 तक आपका चला जाएगा अगर आपको जो है यहाँ पर पॉइंट्समैन मिल जाता है या ट्रैकमैन मिल जाता है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिल जाते हैं, जैसे ट्रैकमैन में 2,700 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सैलरी बताई है। अब देखो, यहाँ पर जिन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है,
सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है उनके लिए भी ये मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि रेलवे में वैकेंसी आना बंद हो जाएगा, वैकेंसी आपकी फिर से आएंगी, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, साथ में आपको जानकारी भी मिले इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप लोग प्रिपरेशन करें, तो मैंने आपको बताया कि इनिशियल पे आपका इतना रहेगा, बाकी चलिए मैं आपको एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने एक लेटेस्ट और ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जो कि दिसंबर 2022 की है, और सबसे लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पॉइंट्समैन की पोस्ट पर ये ज्वाइन है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है ये पोस्ट। अगर बात करते हैं इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, तो इन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, 9 नवंबर 2022 को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो आप लोग यहाँ से एक अंदाजा लगा लीजिए 2018 वाली वैकेंसी के जो पैनल है वो अभी तक आ रहे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है ना, कट ऑफ को कम करके। तो इनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है, तो ये पहले मंथ की सैलरी है, मतलब ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट मंथ की जो सैलरी बनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिले। ग्रॉस पे यहाँ पे 46,098 रुपए बना है। यहाँ पर जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी इनको मिली हैं, जैसे बेसिक पे 18,000 रुपए है, डियरनेस अलाउंस 6840 मिले हैं, 38% डीए के अकॉर्डिंग आई थिंक ये मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस 1800 रुपए मिला है क्योंकि ये आपके वाई क्लास सिटी में है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है इनको 1242 रुपए। तो ये सारे अलाउंसेस मिलकर 46,098 रुपए इनकी सैलरी बनी। हालांकि इसमें एरियर भी है, देखो यहाँ पर 31 दिन की सैलरी लिखा है लेकिन ये लगभग 50 दिन की सैलरी है। स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि आपको 2 मंथ की सैलरी एक साथ मिले, तो सैलरी बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे कुछ कटौती भी होती है, टैक्सेस वगैरह में कटौती होने के बाद यहाँ पर इन एंड सैलरी 45,889 रुपए बनी है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं 45,000 रुपए सैलरी मिली है पहले मंथ में, तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो न्यू ज्वाइनने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में सैलरी अच्छी नहीं है, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए छोटी सी राय है कि फ्यूचर की जो आपकी वैकेंसी है उनके लिए अभी से आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएं।